एवरीवन, आई एम डाइटिशियन काजल एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे छोटी छोटी डाइटरी चेंजेस करके आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। डू नॉट स्किप मील्स, ईट 3 major meals एंड 3 small meals। 3 major meals का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 3 small meals का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक्स। अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी डाइट में कुछ नट्स एंड सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स। एंड मिड मॉर्निंग में आप सीजनल फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेज, कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ एक्सेट्रा। एंड इवनिंग स्नैक्स में आप रोस्टेड चने, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड सोयाबीन एक्सेट्रा। बट हम क्या करते हैं, अक्सर अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और फिर हम वेट गेन या लूज करने लग जाते हैं। तो हमें अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है एवॉयड इनटेक ऑफ फैटी, सॉल्टी एंड सुगरी फूड। इसका कुछ फ़ोटो भी मैंने डाला है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो देखने में जितना ही टेस्टी दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है, बट ये हमारे हेल्थ को उतना ही नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप अपने डाइट में फैटी सॉल्टी फूड इंक्लूड किए हैं, लाइक पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुकीज़, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। मंथ में एक बार ले सकते हो, वीक में वीकली या वीक में एक बार या दो बार आप इसको नहीं ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अवॉइड लेट नाइट स्नैकिंग। अगर आपको लेट नाइट स्नैकिंग करने की हैबिट्स है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ईट लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अपने डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्रीज फाइबर इंटेक। आप अपने डाइट में जो फाइबर का इंटेक है उसको इंक्रीज कीजिए, क्योंकि फाइबर जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्ट्रोक जैसी बीमारी का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ ये आपके स्किन को भी इम्प्रूव करता है और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है और कोलन कैंसर जैसी बीमारी को भी प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। एग्जांपल इसके कुछ मैं आपको बता रही हूँ, जो हाई फाइबर रिच है, जैसे होल ग्रेन्स, ओटमील, नट्स, बीन्स, कैरोट, टोमेटोज एंड फ्रूट्स में एप्पल, सिट्रस फ्रूट एंड बेरीज एंड पियर्स एक्सेट्रा। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक आप वॉक कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं। घर पे भी आप कार्डियक एक्सरसाइज या और भी एक्सरसाइज यूट्यूब से वीडियो देख के भी कर सकते हैं। यूज लो कैलोरी फूड। हमेशा जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप अनहेल्दी फूड या डीप फ्राई फूड, फैटी फूड चूज करने के बजाय आप लो कैलोरी फूड चूज कर सकते हैं। ड्रिंक 8 to 10 glasses ऑफ वाटर डेली। आप डेली 8 to 10 glasses आपको पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी पा रहे हैं 8 to 10 glasses, तो आप सिनेमन वाटर, जीरा वाटर, लेमन वाटर भी बना के सिप्स करके पूरे दिन में ख़त्म कर सकते हैं 1 to 2 bottles।
कंट्रोल योर पोर्शन साइज। अगर आपको लगता है कि जब भी आप खाने बैठते हैं तो आप भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसको कंट्रोल करने का इसको कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप हमेशा अपनी जो थाली है उसको छोटा चूज कीजिए, छोटा थाली चूज कीजिए अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर माय वाचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या